जय माता दी। दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि आने वाली 29 तारीख को यानी 29 सितंबर से हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार कह सकते हैं या पर्व शुरू होने वाला है, जिसका नाम है नवरात्र। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे पूरे देश भर में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ खास जगह तो ऐसी है जहाँ पर ये त्यौहार या ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और गुजरात में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में साधक माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनसे अपनी सफलता का वरदान प्राप्त करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि माँ दुर्गा के इस पर्व में कलश स्थापना यानी घट स्थापना का कितना महत्व है। तो आइए हम जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वीडियो में हम सिर्फ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था कि घट की स्थापना कैसे की जाती है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जैसे कि आज के जो इंसान हैं उनको हमेशा समय नहीं होता है, तो हमने क्या किया है कि समय के हिसाब से अलग अलग समय पर कुछ अलग अलग मुहूर्त बता रहे हैं। उन मुहूर्त में आप जब भी आपको टाइम मिले आप कलश की स्थापना कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं सुबह वाले मुहूर्त की। तो जो पहला मुहूर्त है वो है 7:48 से 9:18 तक, ये सुबह की बात है। दूसरा मुहूर्त है 9:18 से 10:47 तक, ये दोनों जो मुहूर्त है वो सुबह के मुहूर्त हैं। सपोज करिए कि सुबह वाले मुहूर्त में आपके पास समय नहीं है तो आप दोपहर वाले मुहूर्त में भी आप घट की स्थापना कर सकते हो। दोपहर वाले मुहूर्त कौन कौन से है? तो 10:47 से 12:17 तक, और दूसरा 1:47 से 3:16 तक। ये जो दो मुहूर्त है वो दोपहर के मुहूर्त है, आप दोपहर में भी घट की स्थापना कर सकते हो। सपोज करिए इसमें भी आपके पास समय नहीं है। तो हम बात करते हैं अब शाम के यानी रात के मुहूर्तों की बात करते हैं। तो जो शाम का मुहूर्त है वो है 6:47 से 7:16 तक, और दूसरा मुहूर्त है 7:46 से 9:16 तक। इन मुहूर्तों में आप घट की स्थापना कर सकते हो। इसके अलावा भी सुबह 11:48 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त है, इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। वैसे तो इस दिन संडे का दिन है और संडे के दिन आप सभी को छुट्टी रहेगी, तो आपको किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं है कि मेरे को ऑफिस जाना है या कहीं जाना है। तो आप सभी लोग इन मुहूर्तों में से कभी भी कलश की स्थापना कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं लग्नानुसार मुहूर्त की। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि लग्न के हिसाब से मुहूर्त देखते हैं और उस हिसाब से कलश की स्थापना करना पसंद करते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि स्त्री लग्न में ही कलश की स्थापना की जाती है। अब स्त्री लग्न कब है और कौन सी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली स्त्री लग्न वृश्चिक लग्न है और वो सुबह 9:55 से 12:10 तक रहेगी, इस बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हो। दूसरी स्त्री लग्न है कुंभ लग्न, जिसका समय है 4:03 से 5:36 शाम की बात कर रहा हूँ, ये शाम का मुहूर्त है। अब तीसरा मुहूर्त, तीसरी स्त्री लग्न है वृषभ लग्न और उसका समय है 8:48 से 10:46 रात्रि का। ये जो मैंने अभी मुहूर्त बताए हैं वो लग्न के हिसाब से मुहूर्त है। बहुत लोग लग्नों के हिसाब से भी मुहूर्त बताते हैं और लग्नों के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, तो जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो इन समय पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।